हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम जा रहे हैं पार्टी में। आप वैसे मत देखिए, हम बोल नहीं पाते। ऐसे न मुझे तुम देखो, मम्मी खड़ो के हमको घूर रही हैं। ऐसे में हमसे बोले नहीं जाता, शर्म आती है। तो आज की वीडियो है आपकी रिक्वेस्ट पे। आज हम आपसे शेयर करेंगे अपने मेकअप प्रोडक्ट्स, क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं, जो भी चीज़ें आती हैं ब्यूटी प्रोडक्ट्स में। जा रहे हैं तैयार होने, बहुत दिन से तैयार नहीं हुए हैं इसलिए बहुत मज़ा आने वाला है। हम जा रहे तैयार होने। मेरी ड्रेस है ब्लू कलर की, तो मेरा ये अच्छा लग रहा है ना, क्रंची क्या बोल रहे हो। तो ये मेरा स्क्रंची है और ये मैं हूँ और मैं पार्टी में जा रही हूँ। ड्रेस ब्लू कलर की है तो उससे ही कुछ मिलता जुलता सा मेकअप करने वाले हैं। फिर स्टार्ट करते हैं, देर किस बात की, क्योंकि हमें देर हो जाएगी। तो आज की वीडियो हो गई गेट रेडी विद मी। चलो तैयार होते हैं। इतने दिन से कहीं जाना नहीं हो रहा था तो सारी ड्रेस अंडरग्राउंड कर दी गई हैं हमारे यहाँ, एकदम तल्ली के नीचे रख दी गई हैं। जाके ढूंढना पड़ेगा। सबसे पहले रोज़ वाटर, नाम है विश केयर। आप कोई भी रोज वाटर यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं कि ये हो, ठीक है। तो इससे हाइड्रेट हो जाएगी हमारी स्किन। लेंस अप्लाई करा, मॉइस्चराइज करते हैं फेस को। ये तो सभी को मालूम होगा, हमारे घर के बच्चे जंगली हैं। ये पॉन्ड्स की क्रीम है, अभी अपने फेस को मॉइस्चराइज कर लेंगे अच्छे से। पर ये अभी भी काफ़ी नहीं है क्योंकि मेरी स्किन बहुत ड्राई है। ये रहने का फेस ऑयल है, इसको हम लगाने जा रहे हैं, ठीक है, हाइड्रेशन के लिए। अगर पैची स्किन नहीं होगी तो आपका बेस टिकेगा, मतलब उस पर क्रैक नहीं आएंगे। खुलते पड़े खुल गया। ग्लास स्किन कुछ नहीं होती है, यही ग्लास स्किन होती है। मेकअप ब्रशेज हैं, वो हैं प्रो आर्ट के। इसमें कुछ मैंने अलग से भी लगा रखे हैं, प्रो आर्ट के इतने सारे नहीं हैं। इसके 18 पीस थे खाली, और बाकी जो ये वाइट वाइट दिख रहे हैं ये ऐसे ही हैं, बस लोकल ब्रांड है। तो नेक्स्ट स्टेप है आईब्रो। आईलाइनर ब्रश है, ब्रो फिलर, ठीक है। इसके नीचे आईलाइनर है, जेल आईलाइनर। तो लाइफ झिंगा लाला, तो ये आईब्रो होगी। तो मेबलिन का कंसीलर है, भूत बन गए। नेक्स्ट में करेंगे आईज, इसको थोड़ा सा स्मोकी लुक देंगे, ठीक है। कोई काजल भी ले सकते हो और जेल आईलाइनर भी यूज कर सकते हो। थोड़ा डिपॉजिट के ब्लेंडिंग ब्रश ले लिया, छोटा वाला, ठीक है। अब इसको ब्लेंड करेंगे। ये बड़ा ब्रश है, ठीक है। इसमें अब एक ब्राउन शेप लेंगे। रेवोल्यूशन की पैलेट है, इससे पहले वाली भी रेवोल्यूशन की पैलेट थी, ये वाला शेप लेते हैं। जो छोटा वाला ब्रश लिया था हमने, इसमें ब्लैक कलर है। सम कलर लेंगे और फिर इसको ब्लेंड करेंगे। ये हो गया। ये ले लिया हमने डिपॉजिट ब्रश, और मेरा जो ड्रेस है वो ब्लू कलर है तो ये, बट ये थोड़ा सा ग्लॉसी कलर है तो ये थोड़ा अच्छा लगेगा।
नाइस कलर। तो ये डन हो गया, तो अभी रख लेते हैं। तो ये डन हो गया। इनर लिड के अंदर ऐसे काजल लगाएंगे, काजल मतलब कोई जेल आईलाइनर। रेवोल्यूशन का हाइलाइटर है, ये हम ब्रश में लेंगे। आईलैशेस अप्लाई कर लेते, उसके बाद फाउंडेशन लगाएंगे। मिस क्लियर का ये मेरे पास ग्लू है, ये खुल नहीं रहा तो मैंने दांत से दबा के खोला, इसलिए इस पर निशान आ गया। ये मस्कारा है हाइपर कर्ल मेबलिन ना, ताबिश चक्कर में भूल गए थे तो अब हम बाद में लगा रहे हैं। आईलैशेस लगाने के बाद अगर मस्कारा लगाते हैं तो आईलैशेस ख़राब हो जाती हैं, फिर हम इसको यूज़ नहीं कर सकते दोबारा, फिर मतलब 2 से 3 बार में ही ख़राब हो जाती है करेक्टर, क्योंकि मेरे ब्लेमिशेस हैं। और ये करेक्टर डर्मा का है, कहीं भी है जैसे ब्लेमिश है तो आपका फाउंडेशन ग्रे नहीं दिखेगा कहीं से, ठीक है, इससे ये सही रहता है। ये हो गया। बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहे हैं कि ये मेरी टेक्निक है, और शायद पता नहीं कोई यूज़ करता है कि नहीं करता है, हम यूज़ करते हैं, हमने कहीं से देखा भी नहीं है पर हम करते हैं, ठीक है। तो अभी आपको बताने जा रहे हैं, आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, हाथ पे फाउंडेशन लेना है, ठीक है, हाथ पे या किसी भी चीज़ पे ले सकते हो। पैक का फाउंडेशन है, इसका शेड नंबर है 4। ये लैक्मे एब्सोल्यूट का ब्लर परफेक्ट प्राइमर है, इस पर ले लेते हैं। ये हो गया अब। और ये रहा शुगर का ग्रैंड फिनाले हाइलाइटिंग मिस्ट, ठीक है, ये मेकअप सेटिंग स्प्रे है, इसमें थोड़ा सा ग्लिटर है तो ऐसे मिक्स कर लेंगे इसको, एक स्प्रे किया हमने, मिक्स कर लेते हैं। तो एक स्प्रे और कर ले रहे हैं, ठीक है, ठीक है। ये हो गया बेस। कॉन्टोर करने के लिए हम ब्राउनजर पाउडर का यूज़ करेंगे, स्विस ब्यूटी की। और मेरे पास बहुत सस्ते सस्ते सामान हैं मेकअप के, लेकिन मेकअप सस्ता भले ही हो लेकिन काम करना चाहिए। इसकी पिगमेंटेशन अच्छी है इसके कलर्स की, इसलिए हम स्विस ब्यूटी का यूज़ करते हैं। तो ये है सेटिंग पाउडर, क्योंकि यहाँ क्रीज पड़ जाती है। लैक्मे एब्सोल्यूट का ब्लश, अच्छी लिपस्टिक है,
ये मार्स मेकअप करके नाम है इसका, ठीक है। शेड नंबर है 23। ये है मिस क्लियर का शिमर डस्ट। ये आ गया लुक। ये इधर भी ट्राई करते हैं। तो ये हमने कोई भी ग्लू नहीं लगाया है, बस ऐसे फिंगर पे ऐसे फिंगर टिप से लिया है, उसको अप्लाई करते हैं।